हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में रहेगी सलवार की कटिंग, जो कि बहुत इजी मेथड से मैं आपको बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें। 2 मीटर कपड़ा लिया है, मेज़रमेंट आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हो जिस मेज़रमेंट से मैं ये सलवार की कटिंग करूँगी। तो पहले हमें नॉर्मली कपड़े को ना इस तरह से डबल फोल्ड में रखना है। चौड़ाई में ये ऑलरेडी फोल्ड आया था, तो चौड़ाई में हमने ये फोल्ड कर लेना है पूरे कपड़े को। तो ये हमारा डबल फोल्ड में कपड़ा हो गया है। ये बहुत इजी मेथड है सलवार कटिंग का फॉर बिगनर्स के लिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए लेंथ, रेडी लेंथ जो भी रहेगी उसमें से आपको 6 इंच माइनस करना होगा बेल्ट के लिए, क्योंकि 6 इंच की ना हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो यहाँ पे रेडी लेंथ है 40 इंच, 40 में से मैंने 6 इंच बेल्ट का माइनस किया तो 34 इंच आएगा मेरे पास। तो 34 इंच हमें लंबाई रखनी है कलियों की। तो कपड़ा डबल फोल्ड में है और हमने 6 इंच पहले ही माइनस किया हुआ है, तो 34 इंच पे हम निशान लगाएंगे और कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है आपको, बस रेडी लेंथ में से हमने 6 इंच माइनस किया है। उसके बाद आसन लेंगे, 10.5 इंच पे लेना है आपको आसन। अगर आपकी हाइट बहुत ही ज़्यादा कम है तो आप 9.5 इंच तक ले सकते हो आसन। ये नॉर्मल साइज़ के लिए 10.5 इंच पर आसन लिया है मैंने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 34 इंच लंबाई रखी है कलियों की। कपड़ा डबल फोल्ड में है तो 2 कलियों की हमारी ड्राफ्टिंग हो जाएगी इस तरह से, और इस निशान को इस निशान से हमने मिला देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारी 2 कलियों की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब यहाँ से हमने कर देनी है इसकी कटिंग। जब तक हम कटिंग कर रहे हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ से हमारी कलियाँ कट हो गई हैं 2, और इस साइड से ये कपड़ा बंद है तो यहाँ से भी हमने कलियों को कट कर लेना है। अब हमने इन्हीं कलियों को उठा के इस तरह से रखना है। इस तरह से करेंगे ना आप कटिंग तो कपड़ा भी आपका कम वेस्ट होगा और कम कपड़े में सलवार की ड्राफ्टिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे इन दोनों कलियों को रखने के बाद इस तरह से एज इट इज़ कट कर लिया है। तो इस तरह से ना आप देखेंगे बंद है यह आसन, तो यहाँ पर कट लगा दिया है। बाद में ना हम आसन की तरफ से सिलाई लगा देंगे यहाँ से। इस तरह से एक साइड से आसन बंद था और एक साइड से कलियां जो कि मैंने कट कर दी हैं। आसन इसलिए कट नहीं किया है क्योंकि हमने सिलाई तो लगानी ही है। 4 कलियां हमारी टोटल कट हो गई हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हमने इसे हटा देंगे, अब हमने पार्ट की कटिंग करनी है। तो कपड़ा सेम डबल फोल्ड में ही रहने देंगे। अब हमने क्या करना है, पार्ट की भी लंबाई लेंगे। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कपड़े की चौड़ाई कुछ इतनी है, इसमें आ रही है 20 इंच। मेरे कपड़े की चौड़ाई डबल फोल्ड में 20 इंच है। आप चाहें तो पूरी चौड़ाई भी रख सकते हो पार्ट की सलवार के घेर के लिए। तो यहाँ पे 34 इंच मैंने लंबाई ली है पार्ट की, जैसे कलियों के लिए ली थी। तो 34 इंच की हमने लंबाई कट कर ली है पार्ट की। अब हम क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, इसको ना डबल फोल्ड एक बार और करेंगे तो हमारे पास 4 फोल्ड में ये हो जाएगी। और दूसरी साइड से ना मुझे कपड़ा बचाना है थोड़ा सा, क्योंकि मेरे में बेल्ट का कम पड़ेगा। तो आपको इस तरह से मेज़र कर लेना है, जितना आपका बॉटम है उसमें 2 इंच प्लस करके लेना है। तो मुझे 7 इंच के पोंचे रखने हैं, तो मैंने लिया है यहाँ पे 9 इंच का पार्ट की चौड़ाई, क्योंकि कलियों में हमने कोई चौड़ाई नहीं ली थी नीचे की ओर से। तो इस तरह से अगर आपका भी कपड़ा कम पड़े तो साइड से आप बंद साइड से आप कपड़ा निकाल सकते हो इस तरह से। तो इससे क्या करूँगी ना, मैं अपनी बेल्ट को कंप्लीट करूँगी। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप ये पूरी चौड़ाई रख सकते हो पार्ट की, उससे थोड़ा अच्छा घेर बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारी पार्ट की कटिंग हो गई 2 पार्ट। अब हमने बेल्ट के लिए डबल फोल्ड में कपड़ा रखना है। तो हमने 8.5 इंच ली है चौड़ाई बेल्ट की, क्योंकि 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, 6 इंच हमारा रेडी रह जाएगा नेफा फोल्ड होने के बाद, और 1/2 इंच हमारा बेल्ट अटैच करने में जाएगा। तो ये हमने हिप राउंड के अकॉर्डिंग लेनी होती है बेल्ट। जितना आपका हिप राउंड है उसमें 10 इंच प्लस करना है। टोटल बेल्ट रहेगी 50 इंच की। 50 इंच की बेल्ट रखनी है, इसमें जॉइंट आएगा, आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग रखिएगा। अब हमने यहाँ पे कपड़े को फिर से डबल फोल्ड में रखा है जॉइंट करने के लिए, क्योंकि इस तरह से हमारा ये 25 इंच रेडी रहना चाहिए। और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि जॉइंट आएगा तो उसमें भी चला जाएगा। तो हमारी टोटल 27 इंच की बेल्ट है डबल फोल्ड में। अब हमने ये पार्ट को इस तरह से रखना है, जब आपको अटैच करने होंगे ना तो कलियाँ कुछ इस तरह से अटैच करनी है। किनारी वाली कली ना पार्ट के किनारी वाली साइड आपको अटैच करनी है, और ये वाली इस साइड। इससे क्या होगा ना, ओवरलॉक का काम आपका कम हो जाएगा, ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो ये 2 हमारी पार्ट हैं और दोनों साइड हमने कलियाँ रखी हैं, जो कि 4 कलियाँ हैं, और ये पार्ट में अटैच हो जाएंगी। गाइज, आपको कैसी लगी मेरी सलवार की कटिंग की वीडियो? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।